वेल हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए आज इस वीडियो को बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था वो बंद हो चुका है। मैं बहुत जल्दी आपको एक नया नंबर दे दूँगी जिसपे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मुझे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इस बात को कट करते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसका रिव्यू आज करने वाली हूं। ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले से है और आज इसका रिव्यू करने वाली हूं। ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर। ये मिक्स एंड मैच करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी सारी की सारी डिटेल आपको मैं बताने वाली हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, इसकी क्यूट कार्डबोर्ड सी स्क्वायर पैकेजिंग है इस तरह से, जो मुझे काफ़ी क्यूट लगी। और इसमें काफ़ी सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे जो आपको मैं मेंशन कर दूंगी। मेरे पास जो शेड है फिलहाल वो है 03, और इसके ऊपर सारे के सारे डिटेल आपको मेंशन है, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके सारे के सारे छोटी से लेकर बड़ी सारी डिटेल आपको मेंशन है, पढ़ सकते हो आप। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में और मेरा कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा, ओके तो ये फोकस कर रहा है, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में, सो आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो इसीलिए आपको थोड़ी देर रुक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं स्विस ब्यूटी हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर। अभी लाइट ऑन है, लाइट बंद करके भी आपको दिखाऊंगी इसका क्या रिजल्ट है। लाइट इसलिए शुरुआत में ऑन करती हूँ ताकि आप प्रोडक्ट को अच्छे से देख सको, और बाद में बंद करके भी दिखा दूंगी ताकि आप और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो ये है इसका पैकेजिंग, और इसने कहा है कि ये है हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो जैसे कि आप जानते हो, आई एम वेरी बैड एट अनपैकिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं बहुत बुरी हूँ इसमें, और इसी चक्कर में बहुत से प्रोडक्ट मैं ख़राब भी करती हूँ। सो सबसे पहले ये कुछ इस तरह का है। सो आप देख सकते हो इसका शेड नंबर मेंशन है यहाँ पे 03, स्विस ब्यूटी, मेड इन ताइवान, आइटम नंबर, नेट वेट 3.7 ग्राम्स है इसका, मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है 10वें महीने 2018 में, और आपको इसको 10/2021 तक आपको इसको इस्तेमाल करना है, जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। सो ये मैं वीडियोस इसलिए इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे, क्लोजली देखना चाहते थे प्रोडक्ट्स को, जो मेरे फ्रंट कैमरा से दिखाई नहीं देते थे, इसीलिए मैं इस तरह से कुछ वीडियोस बनाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई एम प्रेग्नेंट, सो आई एम नॉट यूजिंग एनी मेकअप ऑन माई फेस कुछ दिनों के लिए, तो तब तक मैं आपको इसी तरह से रिव्यू देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है स्विस ब्यूटी हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर, और यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है सर्कुलर शेप में, थोड़ा सा गंदा हो गया हुआ है क्योंकि मेरे हाथ लग रहे हैं बार बार से। तो ये काफ़ी सुंदर सा गोल सा मिरर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो इन अ वे, बट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं है। लेकिन ये ऐसा अगर आप बाहर हो कहीं और आपको नहीं मिल रहा है कुछ देखने के लिए, तो आप इसे भी कर सकते हो यूज़, और इसको बैग में कैरी कर सकते हो। और सबसे पहले बता दूँ, ये कुछ इस तरह से ट्विस्ट होकर के खुलता है, ओपनिंग इसकी ऐसी है, और ये इसका एप्लीकेटर है, और ये आप कुछ इस तरह का एप्लीकेटर, आप वो स्टैम्प देखिए, आपने कभी बैंक में या कहीं पे भी स्टैम्प्स लगाते हैं ना, ये कुछ उस तरह से ट्विस्ट होता है, और इसको आपको फेस पर भी कुछ इस तरह से ही डैब करना है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले ये है प्रोडक्ट, और इसको अलग किया गया है इस तरह की केसिंग के साथ, और इसको आपको हटाना है, और मैं भी हटाऊँगी इसको बहुत ही ध्यान से, और इसको आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, इसको आपको रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप डायरेक्टली इसको बंद कर देंगे आपका एप्लीकेटर सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। और मैंने इसको हल्का हल्का यूज़ किया हुआ है, अगर फोकस करेगा कैमरा तो मैं कोई हूँ, हल्का सा मैंने इसको यूज़ किया था, और इसके साथ मैंने इसको ब्रश के साथ काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिया था, बट इसके साथ मैंने इसको एक बार ही यूज़ किया है, और ये हो जाता है यूज़, काफ़ी सॉफ्ट स्पंज है जैसे कि आप देख सकते हो, आप कर सकते हो इसको यूज़, बहुत बहुत अब बहुत सॉफ्ट है। तो ये है शेड नंबर 03, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ब्रॉन्जर और हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। मैं आपको हाथ से भी लगा के इसको यहाँ पे दिखाऊंगी, और ब्रश से भी दिखाऊंगी कि कैसे पिक होता है। तो सबसे पहले हम हाथ से देख लेते हैं। मेरे पास ये शेड नहीं था, और मैं मल्टी काम करती हूँ एक ही प्रोडक्ट के साथ, तो मैं इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ करूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हो, बहुत 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 प्यारी है। लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी, पहले आप लाइट के साथ इसको देख लो, ठीक है जी। इसके बाद मैं ब्रश ले रही हूँ, फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, और इसके साथ इसको हम अप्लाई कर देंगे। अब देख सकते हो बहुत प्यारा है, अगर आप अपनी चीक्स पे इसको लगाते हो तो ऐसा ही शाइन आएगा आपके फेस के ऊपर,
और अगर यहाँ पे भी मैं ब्लेंड करती हूँ तो बहुत अच्छे से पिक होता है ब्रश के साथ भी, और स्किन बहुत शाइनी दिख रही है, आप देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी काफ़ी शाइनी शाइनी दिख रहा है, और चीकबोन के ऊपर भी ये इसी तरह से दिखेगा। बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। प्राइस इसका मैं आपको टाइटल में मेंशन कर दूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। सो इस बीटी के बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले ये थोड़ा सा मुझे हल्का सा टाइनी माइनी सा एक्सपेंसिव लगा, हल्का सा। वैसे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइस के वाइज ये वाला हल्का सा लगा, बट ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे ऑल इन ऑल। तो इसको आप इसके साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसको इस तरह से डैप करना है, जिस तरह से आप स्टैम्प लगाते हो इस तरह से आपको डैप करना है। और ये देखिए प्रोडक्ट आ जाता है इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से, और इसके बाद चीक के ऊपर आपको इसको अप्लाई कर देना है। हल्के हल्के से ग्लिटर है इसमें, चंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत सुंदर लगते हैं, हल्के हल्के से हैं। लाइट बंद करके भी आपको अभी दिखाने वाली हूँ, तो चलिए लाइट बंद करके भी इसको देख लेते हैं। सो लाइट बंद होने के बाद ये ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा ग्लिटर है इसके अंदर, शाइन सॉरी, बहुत अच्छा है इसके अंदर, ग्लिटर नहीं है, शाइन है बहुत अच्छा। अगर आप दोनों हाथों को कंपेयर करेंगे और अगर आप इसको अपनी चीक बोन पे अप्लाई करते हैं एज अ ब्रॉन्जर, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वार्म टोन मैंने लिया था सिर्फ अपने चेहरे को वार्म करने के लिए, ताकि फाउंडेशन से एक जैसा नहीं दिखे, थोड़ा सा हल्का सा चेंज आए। आप इसको एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हो, एज अ हाईलाइट यूज़ कर सकते हो, ब्रॉन्जर फेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा शेड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, और मेरा काफ़ी फेवरेट शेड है ये। तो आप इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे फोकस करती हूँ एक बार फिर से। तो ये है शेड, इसमें काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, आपको मेरे ख्याल से चार शेड्स मिल जाते हैं, चारों के चारों मेंशन हो गए होंगे अभी तक। तो जो भी आपको पसंद आए आप यूज़ कर सकते हो। मैं दोबारा से एक स्ट्रोक आपको लेकर के दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे से पिक हो जाता है, बार बार बोल रही हूँ। तो ये देखिए फिर यहाँ लगा कर दिखाती हूँ, तो बहुत प्रिटी लगता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो इसको आप जब ब्लेंड करोगे तो ये और भी अच्छे से दिखेगा। बहुत कम था प्रोडक्ट, थोड़ा सा और ले करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए पिगमेंटेशन इसका बहुत अच्छा है, ये देखिए इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना एक्चुअल में ये है, लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो यस, अब देख सकते हो ना, एक वार्म सा टोन आ जाएगा आपके फेस के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाऊं, तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर लगा करके दिखाऊंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, और आजकल क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास आ जाती हूँ आपको वीडियोज़ ले करके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो ये देखिए, इसको आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये इसको मैं लगा दूंगी और इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। इसका मुझे पैकेजिंग सबसे ज़्यादा क्यूट लगी थी, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। प्राइसिंग अच्छी है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा महंगा है, ले सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो, मुझे काफ़ी पसंद आया है। इस रेंज में ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए और क्या चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल को बार बार देखना चाहते हैं, मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। माय फिंगर इज स्टिल शाइनिंग लाइक दिस, लुक एट द डिफरेंस। सो मेरी वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।